अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सिडको मुख्यालय पर प्रकल्पग्रस्तों का धरना, पैकेज नहीं मिलने पर आंदोलन। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से प्रभावित पनवेल के 10 गांव के 213 प्रकल्पग्रस्तों ने पुनर्वसन पैकेज की मांग करते हुए सिडको के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बेलापुर में दो दिनों से जारी धरने का नेतृत्व कर रहे प्रकल्पग्रस्त नेता रामचंद्र मात्रे ने कहा कि सिडको ने 213 प्रकल्पग्रस्तों को यह कहकर पुनर्वसन पैकेज नहीं दे रही है कि उनकी जमीनें अवैध है। रामचंद्र मात्रे ने कहा कि एक तरफ सिडको एयरपोर्ट के लिए प्रकल्पग्रस्तों के पुश्तैनी मकान खाली करा रही है, दूसरी तरफ उनका पुनर्वसन नहीं कर रही। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? हम 30 तारीख से हम इधर धरने बैठे हैं। मांग ये है कि सिडको ने जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसमें जो 10 गांव है उनकी जो जमीन लिया है उसमें उसने 213 लोग है, फैमिलीज है, उनको उनने जुरा पात्र दिए हैं कि उनको बोलता है कि आपका घर जो है वो इल्लीगल है, इसलिए हम आपको उसका कुछ देंगे नहीं, इसलिए हम इधर बैठे हैं। दूसरी बात, मांग ये है कि जो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो जीआर निकाला है उसमें लिखा है कि सिडको के जमीन के ऊपर भी जिनका भी कंस्ट्रक्शन होगा उनको सबको ये पैकेज लागू होगा, और सिडको अभी बोल रही है कि हम आपको पैकेज नहीं देंगे इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि सिडको ने 2013 का जो कानून है लार कायदा, उसके मुताबिक जो मच्छीमार है यहाँ के, मतलब जो किसान भी है और मच्छीमार भी है, तो 2013 का कानून क्या बोलता है कि जैसा जिसकी ज़मीन है उसको 2013 के कानून के अनुसार भी उसको नुकसान भरपाई मिलेगा, उसी तरह जो मच्छीमार है वो समींदर भी उनकी ज़मीन पकड़ो और उनको भी उसका नुकसान भरपाई दे दो। हम वही मांग कर रहे हैं कि 2013 के कानून के मुताबिक जो मच्छीमार है उनको पैकेज देना चाहिए। सिडको बोल रहे हैं कि मच्छीमार हमारे हिसाब से प्रकल्पग्रस्त नहीं है। हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मच्छीमार क्या भी आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके कारण हमारी मच्छीमारी पूरी बंद हो चुकी है, तो हम खाएंगे क्या, हमको जीने का कुछ सहारा नहीं है। तो 2013 का कानून अगर बोल रहा है कि आपको उनका नुकसान भरपाई देना है, तो हम वही बोल रहे हैं कि आपको 2013 के मुताबिक जो मच्छीमार है उनको पैकेज देना है। जो डेमोक्रेसी में चल रहा है उसी तरह हम यह धरने में बैठेंगे। अगर यहाँ नहीं सुनते हैं बात तो हम मुंबई जाएंगे यहाँ से मंत्रालय के ऊपर कि भाई हमको सुनो, क्योंकि उनको एयरपोर्ट बनाने का है और एयरपोर्ट के लिए अगर उनको ज़मीन चाहिए खाली, तो हम तो बोल रहे हैं कि हम तो बोल रहे हैं कि टाइम पे हो जाए। हमारा विरोध नहीं है एयरपोर्ट को, एयरपोर्ट होना चाहिए, और हम भी बोल रहे हैं कि वो टाइम पे होगा तो खर्चा कम होगा। आगे खर्चा बढ़ेगा, मतलब अभी अगर 24,000 करोड़ का एयरपोर्ट का है, एक साल भी अगर डिले होता है तो उसका 1,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। हम भी ये मानते हैं कि होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर 100 करोड़ या 200 करोड़ में अगर इनका नुकसान भर जाता है तो सिडको ने वो लेना चाहिए और देना चाहिए, और उसके ऊपर उपकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये जब है जो नवी मुंबई है वो इन्हीं लोगों के जमीन के ऊपर ही है। जो पैसा आया है सिडको को, ये पैसा भी जो खर्चा कर रही है एयरपोर्ट के ऊपर, वो इन्हीं के जमीन बेच कर आया वो पैसा है। माझी जमीन आता सिडको ने 22.5% संपत्ति के लिए है 2013-14 ला, आणि त्यात माझा घर होता 272 नंबर, तो त्या दिवशी सिडकोनी कुठलीही नोटीस न देता जीविके कंपनीने जा निकामी केलेला आहे। आता ज्या आमच्या 213 ज्या प्रलंबित प्रश्न झिरो पात्रात आहेत त्या सिडकोने आम्हाला मान्य करून देण्यात याव्या, नाही तर आम्ही मोठं आंदोलन आजच्या पुढे अजून करून टाकू। बता दें कि सिडको ने एयरपोर्ट गर्भ क्षेत्र के बचे मकानों को 30 दिसंबर तक खाली कराने का नोटिस जारी किया है। 95% प्रकल्पग्रस्त घर छोड़कर पुष्पक नगर में जा चुके हैं, जबकि 213 प्रकल्पग्रस्तों का पेंच उलझा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।